Ah, tô Francis. तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं राइट ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन राइट अब हम शुरू करेंगे रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ फ्रीडम रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट ऑफ फ्रीडम जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है फ्रीडम का, लेकिन ये जो राइट है इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस कौन किस किस के लिए कोई भी ऐसा राइट जो देश की आजादी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट करता हो पब्लिक ऑर्डर एंड मॉर्टलिटी ये जो रेस्ट्रिक्शंस है रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ फ्रीडम कि यदि कोई भी राइट जो देश की आजादी एंड अखंडता पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता ठीक है इस पर अफेक्ट करता हो इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है एक हमने राइट बताया था राइट टू मूव थ्रू आउट इंडिया मूव थ्रू आउट इंडिया इस मूव थ्रू आउट इंडिया में भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो सकती है किसमें जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में या फिर शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी हैं शेड्यूल ट्राइब हैं उनके बेनिफिट के लिए कुछ सूटेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ठीक है? तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? थ्रू आउट इंडिया मूव करने का राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है? इसी तरह की राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इस पे भी रेस्ट्रिक्शन है सेव जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और शेड्यूल ट्राइब इनके बेनिफिट के लिए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ओके इसी तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इसी तरह क्या है जो प्रोफेशन प्रोफेशन ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस का जो भी राइट है कहीं भी कोई भी व्यापार करो कोई भी बिजनेस करो प्रोफेशन करो ठीक है लेकिन इस पर भी ये जो जीपीआई है जनरल पब्लिक इंटरेस्ट
में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। साथ ही साथ कहीं स्टेट मोनोपोली की जा सकती है कि वो बिजनेस केवल सरकार ही करेगी, उसके अलावा कहीं भी टेक्निकल कुछ व्यापारों के लिए, कुछ बिजनेस के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंपलसरी की जा सकती है। तो क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं? रेस्ट्रिक्शंस ये हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, टेक्निकल बिजनेस और प्रोफेशनल। ठीक है, तो कई स्टेट मोनोपोली, तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि बैंकिंग बिजनेस स्टेट ही करेगी, यानी सरकार ही करेगी। तो इस लॉ को चैलेंज किया गया था, एक केस था आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर डिसीजन हुआ, क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, और इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से स्टेट मोनोपोली की जा सकती है, यानी कुछ चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो ये हमारा 19 जो आर्टिकल के 19(1)(d) के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन है, 91(e) के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन है, और आर्टिकल 91(g) के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन है। तो हमारा फ्रीडम का राइट है, लेकिन उस राइट पर भी थोड़ी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो राइट एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। ओके, तो ये आपका थोड़ी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हुई। तो ये राइट जो फ्रीडम है ये हमको देता था पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी काफी कुछ बहुत सारे केसेस में डिसाइड हुई। इसके अलावा जो पर्सनल लिबर्टी का जो मीनिंग है, पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग क्या है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब यही नहीं कि केवल आपको कैद में या फिजिकली रेस्ट्रेंट नहीं है, आप सो रहे हैं सोते में आपको डिस्टर्ब करना, ये भी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे केसेस डिसाइड हुए। पर्सनल लिबर्टी इज नॉट ओनली फिजिकल रेस्ट्रेंट, उसके अलावा केस ये डिसाइड हुआ कि भाई नॉट टू इन्वेड द हाउस, जब तक कि कोई सीरियस मैटर इन्वेड द हाउस पर्टिकुलरली बाय स्लीपिंग के टाइम पे। उसके बाद में कोई एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाने का राइट है, तो उसको रोका नहीं जा सकता जब तक कि कोई इस तरह का मामला ना हो। तो ये सारे राइट पर्सनल लिबर्टी के अंदर, केवल ये पर्सनल लिबर्टी राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर ये नहीं है कि केवल उसको रोकने का ही राइट है। ओके,
तो ये हमने कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताई, कुछ आपको बताया पर्सनल लिबर्टी का मतलब। पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल फिजिकल रेस्ट्रेंट नहीं है, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करना, स्लीपिंग के अंदर आपको जाना, आपको विदेश जाने से रोकना, ये सब कुछ भी पर्सनल लिबर्टी के अंदर रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शन समझी बस। ओके, अब एक बहुत स्पेसिफिक आर्टिकल है, दैट इज द सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, तो अब हम समझते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22। हाँ जी, ये जो आर्टिकल 22 है ये प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक सेफगार्ड्स। अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन ये आर्टिकल 22 आपको प्रोवाइड करता है स्पेशल सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो ये क्या कहता है, बिना ग्राउंड बताए किसी को अरेस्ट नहीं किया, बिना ग्राउंड्स बताए, किस ग्राउंड पर बिना ग्राउंड्स बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिना ग्राउंड्स बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी अरेस्ट वाले को लॉयर से एडवाइस लेने से नहीं रोका जा सकता, यानी उसको राइट टू कंसल्ट लॉयर, राइट टू कंसल्ट लॉयर 24 आवर्स में उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ओके, और विदाउट अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट चौबीस घंटे से ज्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। ये सारा जो है सेफगार्ड है। लेकिन ये जो लॉ है नॉट एप्लीकेबल टू एलियन एनिमी या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लॉ नॉट एप्लीकेबल टू द एलियन एनिमी एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर जो अरेस्ट किया है उन पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, कोई आदमी यदि ये आशंका हो और कि वो कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, टू प्रिवेंट हिम
to commit offense to prevent him to commit to prevent him to commit offense. तो ये जो यदि वो कोई ऑफेंस कमिट करने जा रहा है इस केस में उसको विदाउट एविडेंस भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एविडेंस यदि कोई पर्सन कमिट करने जा रहा है तो विदाउट ठीक है समझ में आया to prevent him to commit offense without evidence बिना evidence के भी इसको commit offense के लिए prevent किया जा सकता तो article 22 क्या कहता है कि जब तक grounds नहीं बताएं lawyers को नहीं बताएं और 24 घंटे के अंदर उसको arrest करना है ठीक है लेकिन ये सारे law एक विदेशी दुश्मन के खिलाफ लागू नहीं होते और यदि कोई आदमी ऑफेंस करने जा रहा है तो बिना एविडेंस के उसको किया जा सकता है टू प्रिवेंट ऑफेंस दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन ओके अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया एक सेकुलर कंट्री है आप चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म को फ्रीडम है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने की प्रैक्टिस करने की उसकी परंपराओं को मानने की तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये दिया है हमें आर्टिकल 25 to 28 राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ये आर्टिकल 25 क्या कहता है तो आर्टिकल 25 आपको फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अपनी आत्मा की आवाज सुनने की जो भी आपकी कंसाइंस है एंड राइट टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन एनी रिलीजन फ्रीली इसीलिए हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं क्योंकि इसमें सेकुलरिटी आई कहां से ये धर्मनिरपेक्षता से कि हम कोई भी धर्म को हम प्रपोगेट कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये हमारा आर्टिकल 25 कहता है तो आर्टिकल 26 और स्पेसिफिकली कहता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं यानी रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का राइट हमको देता है कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाने का राइट देता है अपने रिलीजियस मैटर ओन रिलीजियस मैटर जो भी अपने रिलीजियस मामले हैं उनको मैनेज करने का ओन अफेयर्स यानी हम अपने रिलीजियस मैटर खुद मैनेज कर सकते हैं मैनेज ओन रिलीजियस मैटर
कोई भी हम इंस्टीट्यूशन बनाएं, किसी भी तरह के मैटर्स हम मैनेज करें, साथ में एक्वायर करें रिलीजियस पर्पस से मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ एडमिनिस्टर करें, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज। तो कुल मिला के फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हमको क्या राय देते हैं? ये राइट देता है कि हम रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, उस रिलीजियस पर्पस से कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम परचेज कर सकते हैं, और उसके अलावा हम उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 27 हमको कहता है कि जो रिलीजियस मैटर की जो नो टैक्स, रिलीजियस पे जो रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी प्रोसीड्स होगा, और उस प्रोसीड्स को, कोई भी प्रोसीड्स को यदि हम रिलीजियस पर्पस से खर्च करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, उसके अलावा आर्टिकल 28 क्या कहता है कि जो स्टेट है, यानी सरकार, जो स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी भी धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। नो रिलीजियस टीचिंग, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। लेकिन आपका किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट रिलीजियस पर्पस से वहां कुछ भी एजुकेशन हो, लेकिन जो स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उन स्टेट के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आपको देते हैं फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, आप कंसाइंस का राइट है, राइट टू प्रोपोगेट एंड प्रोसेस एनी रिलीजियस एक्टिविटी। उसके अलावा आपको आर्टिकल 26 के अंदर रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन करने का, उसको मैनेज करने का, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का और उसको एडमिनिस्टर करने का आपको राइट है। आर्टिकल 27 कहता है कि जो भी आपको प्रोसीड्स रिसीव हुई है और उसको अगर आप रिलीजियस पर्पस से खर्च करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 28 कहता है कि आपके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं कर सकते, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाए जा सकते। हालांकि यदि किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट द्वारा इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट बनाया गया है, यदि वो रिलीजियस टीचिंग देता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उस पर वो उसको फ्रीडम है। लेकिन सरकारी स्कूलों में जो भी स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। तो ये आपको समझ में आया कि कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके लिए इंस्टीट्यूशन बना सकता है, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर सकता है, अपने अफेयर्स ओन मैनेज कर सकता है, ठीक है। और जो भी यदि रिलीजियस पर्पस से कोई पैसा इकट्ठा करता है और उसको उसी पर्पस से खर्च करता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। साथ ही जो सरकारी स्कूलों में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। रिलीजियस के साथ साथ आर्टिकल 29 आपको कल्चरल राइट भी देता है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए आप कोई भी कल्चरल एंड एजुकेशनल
कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स भी आपको प्रोवाइडेड है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सेक्शन 29 एंड 30। कोई भी सेक्शन है, आर्टिकल 29, ये सेक्शन नहीं आर्टिकल होते हैं इसमें, आर्टिकल 29 आपको क्या कहता है, आर्टिकल 29 कोई भी सिटीजन है उसकी जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई भी जिसकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर, तो कोई भी भाषा कोई भी स्क्रिप्ट ये कल्चर जो होगी उसको कंजर्व कर सकता है, ये जो राइट टू कंजर्व, दैट इज राइट टू कंजर्व। राइट टू कंजर्व एनी लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, इसी तरह जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी दो तरह की माइनॉरिटी है, एक रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटी और एक लैंग्वेज बेस्ड, एक रिलीजियस मान और लैंग्वेज। तो जो माइनॉरिटी चाहे रिलीजन की हो या लैंग्वेज की हो, ये दोनों आर्टिकल 30 कहता है कि जो रिलीजियस ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं और अपनी लैंग्वेज या रिलीजन को प्रपोगेट कर सकती हैं और उसके कंजर्व कर सकती हैं, एस्टेब्लिश कर सकती हैं, एडमिनिस्टर कर सकती हैं। ओके, हाँ जी, और ये क्या कहता है कि ये जो माइनॉरिटीज हैं इनको ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और गवर्नमेंट यदि कोई एड देती है तो एड देने में नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी एड या सब्सिडी में इनको रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे कोई इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये हमारा
Article 29 and 30 कहता है. क्लियर? हाँ जी. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमने आपको बताए. ठीक है. तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये कल्चरल एंड एजुकेशनल के राइट के बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से पहले, क्योंकि रेमेडी से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका स्ट्रक्चर क्या हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो मैं अभी आपको बताता हूं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का हमें समझना क्या है, स्ट्रक्चर. तो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी आपको पता होगा कुछ दिनों पहले एक चीफ मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अनशन पर बैठ गया था. चीफ मिनिस्टर वर्सेस यूनियन मिनिस्टर्स का डिस्प्यूट आप सबने देखा था कि हमारे यहां दो गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है और एक यूनिटरी गवर्नमेंट. तो जनरली पूरे वर्ल्ड में दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनिटरी. तो एक होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, फेडरल वर्सेस यूनिटरी. तो अब ये चर्चा जोर पकड़ी कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है. ठीक है, तो यूनिटरी में क्या होता है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सारी पावर एक तरफ ही होती है, जबकि फेडरल में इस एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. ठीक है, तो हम यूनिटरी में सारी पावर सेंटर के पास, फेडरल में सारी पावर स्टेट के पास और मिनिमम जो है फॉरेन रिलेशन और सिक्योरिटी को छोड़कर, फॉरेन रिलेशन और सिक्योरिटी को छोड़कर सारी किसके पास होती है, स्टेट के पास. लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का, ना तो यूनिटरी है ना फेडरल है. क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर में ड्यूअल अथॉरिटी होती है. ये ड्यूअल अथॉरिटी हमारे यहां है, सेंटर है और स्टेट है. तो हमारे यहां क्या है, इन दोनों का मिक्सचर. ये वाला पॉइंट हमारे यहां है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारे यहां तीन लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट
एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंटर पर सेंट्रल लिस्ट में जो आइटम्स हैं, जो काम दिए हुए हैं, उन पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम दिए हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट काम बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है, उस पर बोथ स्टेट एंड सेंट्रल कैन मेक द लॉ, लेकिन स्टेट तभी सेंट्रल से कंसल्टेशन के बाद लॉ बना सकती है। तो तीनों इसमें केवल सेंट्रल सीजी बना सकती है लॉ, इसमें एसजी और इसमें सीजी प्लस एसजी दोनों ही लॉ बना सकती हैं। ये भी हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फेडरल गवर्नमेंट की तीसरी विशेषता होती है। ये भी हमारे यहाँ है, ड्यूअल अथॉरिटी भी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी फेडरल वाली जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारे यहां है। लेकिन इसके हिसाब से ये पांचों चीज जो फेडरल गवर्नमेंट में होनी चाहिए, ये पांचों चीजें हमारी हमारे लॉ के अंदर हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कुछ चीजें यूनिटरी हैं। यूनिटरी के अंदर क्या है कि पहली चीज हमारे यहाँ जो सेंट्रल लिस्ट है, इसमें 97 आइटम्स हैं, जिसमें 96 प्लस वन ब्लैंक है। तो ब्लैंक का मतलब क्या है कि इस ब्लैंक का मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर यूनियन लॉ बना सकती है। उसके अलावा हमारे यहाँ आर्टिकल 246 क्या कहता है, आर्टिकल 246 जो स्टेट वाली जो लिस्ट है, उस लिस्ट पर भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। यूनियन गवर्नमेंट ये जो स्टेट के मामलों में भी इंटरफियर कर सकती है। कब कब कर सकती है, कह सकती है कि भाई हम नेशनल इंटरेस्ट में, आपको ने सुना होगा इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, नेशनल इंटरेस्ट में, इमरजेंसी में, डिस्प्यूट ऑफ टू स्टेट, डिस्प्यूट ऑफ टू स्टेट, दो स्टेट्स में झगड़ा होता है आपस में, डिस्प्यूट ऑफ टू स्टेट्स, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, या सबसे इंपॉर्टेंट ये कह देते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। कभी भी कुछ भी किसी भी बात पे, किसी दंगे पर, किसी भी आंदोलन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं। तो हम आर्टिकल 246 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ओके। और जो तीसरी चीज है, ये है जो कंकरेंट लिस्ट है, इस कंकरेंट लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि यदि यदि कंकरेंट में यूनियन लॉ विल प्रिवेल ओवर स्टेट,
तो कुल मिला के आप देखोगे तीनों जगह दादागिरी है सेंटर की। दादागिरी किस सेंस में कि तीनों ही केस में सेंट्रल लिस्ट तो बना ही सकती है, कानून सेंट्रल, लेकिन उसने एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसमें कोई भी आइटम आ सकता है। स्टेट के अंदर वो नेशनल इंटरेस्ट कह के, इमरजेंसी कह के, डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स या इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए, या अल्टीमेट जो एक उसके पास ऑप्शन है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कहकर स्टेट पर भी यूनियन लॉ बना सकती है। कंग्रेंट के अंदर दोनों को पावर है, लेकिन उस पावर के अंदर भी दिक्कत क्या है कि अगर लॉ सेंटर ने ही बनाया और स्टेट ने भी बनाया तो उस केस के अंदर क्या हुआ, सेंटर ने भी बनाया और स्टेट ने भी बनाया, उस केस के अंदर दिक्कत क्या क्या रखी हुई है। वो दिक्कत ये है कि सेंटर और स्टेट के अंदर यदि दोनों के लॉ के अंदर डिफरेंस होगा तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। तो कुल मिला के अल्टीमेटली अथॉरिटी इन्होंने किसको दे दी, अथॉरिटी इन्होंने कुल मिला के इन एवरी केस अल्टीमेटली इन एवरी केस अथॉरिटी किसको मिल गई, अल्टीमेटली अथॉरिटी मिल गई यूनियन को। ठीक है, तो ये हमने आपको आपको बताया स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप कह सकते हैं हालांकि हमारा फेडरल है, लेकिन उसमें फेडरल के ऊपर भी यूनिटरी पावर दी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो गवर्नमेंटल सिस्टम है, वो अल्टीमेटली फेडरल भी है और यूनिलैटरल भी, कि यानी हिंदुस्तान में हर चीज मिक्स है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी। तो इसीलिए आपने देखा है कि हमारे यहाँ सेंट्रल और स्टेट के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा होते हैं, और अभी तो बहुत बड़ा एक डिस्प्यूट ऐसा हुआ जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे के बैठा हुआ था। ऐसा ऐसा कारण हुआ क्योंकि कुछ पावर्स हमारे यहाँ फेडरल के पास हैं, कुछ स्टेट के पास हैं, और इसमें यूनिटरी यानी स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेट हमारे यहाँ ओवरऑल रूलर है। तो बहुत ही बार, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे पर सरकारें, चुनी हुई सरकारें इमरजेंसी का बहाना बना के या ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, इस प्रोविजन का फायदा उठा के बहुत बार सरकारें गिरा दी गई। ठीक है, अभी मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी शुरू करने से पहले 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन हमने नहीं बताया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन को भी हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। इसके लिए दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ओके, तो आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 23 तो ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को
human traffic, beggar, forced labor, okay. तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि आदमी को आदमी या औरत को मैन और वुमेन को मैन या वुमेन को सामान की तरह खरीदा या बेचना सामान की तरह खरीदने बेचने समझ में आया जैसे युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था तो यानी उसने